नमस्कार दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर मैं डिस्कस करूंगा वो है कि सुहागरात कैसे मनाएं। और इस बारे में जो टॉपिक मैंने लिया है, इसके पीछे रीजन ये है कि मेरे पास बहुत से लड़कों का मैसेज आता है और उनके पास ज्यादातर ये क्वेश्चन आता है, सर हमारी शादी होने वाली है और हम बहुत डरे हुए हैं कि हम सही तरह से परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, हम सेक्स कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो जब हमसे पूछता हूँ उनसे, जब उनकी केस स्टडी ली जाती है क्लिनिक पर या फोन से, तो उनका जो एक क्वेश्चन निकल के आता है, सर हमें बहुत डर रहता है कि हम अपने जो सेक्स परफॉर्म है वो सही कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे या हम फेल हो जाएंगे। फिर ये बताते हैं, सर हम कहीं एक बार बाहर गए थे या हमने किसी के साथ रिलेशन बनाया था तो हमारा वहां पर प्री मैच्योर इजुकुलेशन शीघ्र पतन हो गया, और कोई कहता है सर उस समय लिंग में तनाव ही नहीं आया, तो अब हमारी शादी होने वाली है, क्या इस तरह हमारी जो कंडीशन रही तो क्या हमारी जो सेक्स लाइफ है वो अच्छी चल पाएगी नहीं पाएगी। तो मैं आपको सुहागरात करने का, सुहागरात मनाने का बहुत ही बेस्ट फॉर्मूला आज बताता। तो यदि आपकी शादी होने वाली है तो आप कोई वीडियो लास्ट तक देखनी है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टार्टिंग कैसे करनी है। एक्चुअली क्या हमारे जो फिल्मों में बहुत कुछ दिखाया जाता है कि लड़की दूध लेकर आती है, बहुत ज्यादा ड्रामेबाजी दिखाई जाती है, ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता है। आपको रियल लाइफ में क्या करना है, देखिए सबसे पहले तो आपको देखना है कि वो आपकी अर्धांगनी है, पूरी जिंदगी आपको उसी के साथ समय बिताना है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको हड़बड़ी नहीं करनी है, मतलब कोई भी चीज जल्दी में नहीं करना है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। यदि आप सबसे पहले आपको क्या करना है, आप सबसे पहले आपको बातें करनी है, कुछ भी घर की, परिवार की, आपस की, कुछ पहले बात कीजिए। कहने का मतलब कहीं ना कहीं आप उनको फ्रेंड बनाइए, फिजिकल रिलेशन से पहले आपको उनसे फ्रेंडशिप करनी है। और देखिए सबसे पहली बात है, आपको कोई कंपटीशन नहीं लड़ना है। और बहुत बार हमारे पास ये भी क्वेश्चन आता है कि सर क्या सेक्स टैबलेट लेकर जाना चाहिए, नहीं बिल्कुल भी नहीं, कोई सेक्स टैबलेट लेने की जरूरत ही नहीं है। सबसे पहले आपको मन में से डर निकालना है कि मैं फेल हो जाऊंगा या नहीं हो जाऊंगा, सबसे बड़ा डर है ये, जितने भी क्वेश्चन आते हैं यही डर रहता है। क्योंकि देखिए मैं आपको बताता हूँ, मान के चलिए कोई भी आदमी नई चीज सीखता है, मान के चलिए एक बच्चा है वो भी एक साइकिल चलाना सीखता है, क्या वो एकदम सीख जाता है, वो भी चार पांच बार गिरता है तब जाकर सीखता है। कोई भी नई चीज सीख लीजिए, तो सेक्स भी ऐसी चीज है, आप ऐसा मत सोचिए कि हम जाएंगे और पता नहीं क्या कर देंगे, यही चीज हमारे मन को कहीं ना कहीं डराती है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि वो फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर है सेक्स के लिए, उनसे बात कीजिए। फिजिकली इसलिए कह रहा हूं, कहीं उनको मेंसेस तो नहीं है, पीरियड तो नहीं आ रहे, यदि उनको पीरियड आ रहे हैं तो आपको सेक्स नहीं करना है। मेंटली इसलिए कहीं ना कहीं उनके मन में डर तो नहीं बैठा है सेक्स के प्रति, भाई हो सकता है कहीं उनके मन में डर बैठा हुआ, किसी ने बता दिया कि सेक्स के दौरान बहुत दर्द होता है तो वो कहीं ना कहीं डरी हुई है। तो सबसे पहले उनके मन से डर निकालना है, आपको बातें करनी है, उसके बाद आपको सेक्स के लिए रेडी होना है। यदि वो तैयार नहीं है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे है, उससे अगले दिन है, आप इसको समय दीजिए। यदि आप हड़बड़ी में काम करोगे, सेक्स करोगे, तो 100% आपको प्री मैच्योर इजुकुलेशन होगा। यदि आप आराम से बातें करने के बाद, फिर बाद आप किस करोगे, फिर फोर प्ले करोगे, फिर आप सेक्स करोगे, तो आप देखना आपकी सुहागरात अच्छी बनेगी। और सुहागरात क्या, आपको जो सेक्स लाइफ है ना बहुत अच्छा होगा। मैंने बहुत बार देखा है कि जो जितने भी हमारे पास सेक्स रोगी आते हैं या बताते हैं, तो जब उनसे उनकी सुहागरात के बारे में पूछते हैं तो उनका यही क्वेश्चन निकल के आता है, सर वो सुहागरात हमने बहुत हड़बड़ी में की है और उसके बाद हमें ये प्री मैच्योर इजुकुलेशन हो गया। तो जब बात करते हैं, सर मुझे बहुत डर बैठा हुआ था, तो यदि आप सुहागरात तो बिना हड़बड़ी के बनाते हो, बिना सेक्स टैबलेट के बनाते हो, और आपको जो अपनी वाइफ है उसको एक तरह के फ्रेंड्स की तरह आपको ट्रीट करते हो, तो आप देखना आपकी जो सुहागरात है वो तो अच्छी बनेगी, आपका जो फ्यूचर में सेक्स लाइफ है वो भी बहुत अच्छा होगा, और आपको ना तो शीघ्र पतन की बिल्कुल भी कभी शिकायत होगी और ना ही आप किसी भी मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी। यदि आपने मेरी गांठ बांध ली ना ये, तो आपको कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जो आपका पैसा है ना वो सेफ रहेगा। क्योंकि जो मैं वीडियो बनाता हूँ ये इसलिए मेरा एक ही पर्पज है, एक ही इंटेंशन है कि जो आपका पैसा है वो बर्बाद ना हो और आप अपना इधर से उधर धक्के ना खाते पड़े। तो इसलिए मेरी बात से यही विनती है कि जो सुहागरात है उसको जल्दी में मत बनाइए। ऐसा नहीं है कि भाई एक ही दिन है आपके पास, आराम से इजीली बात कीजिए, जरूरी नहीं हुआ सेक्स कोई बात नहीं नेक्स्ट डे है। और ये दोनों लड़का और लड़की को समझना है, ऐसा नहीं है कि भाई आज सेक्स नहीं हुआ तो क्या हुआ, मैं बेकार हो गया। बहुत बार हमारे पास क्वेश्चन आता है, सर आज तो हमारी सुहागरात को तो सेक्स नहीं हुआ, कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो नेक्स्ट डे हो जाएगा,
कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक दिन में कोई बात नहीं होता है। सबसे पहले आपको ये देखना है जो लड़की है वो फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर है सेक्स के लिए नहीं है, और आपके मन से ये डर निकलना चाहिए कि मुझे प्री मैच्योर इजेकुलेशन नहीं है। यदि आपने सोच लिया कि यार मैं कहीं फेल ना हो जाऊं, देखिए सबसे बड़ा, देखो मैंने एक चीज देखी है, जितने भी हमारे पास सेक्स रोगी मिलते हैं तो उनमें मैंने 90%, इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बना चुका हूं, उनके मन में कहीं ना कहीं फियर रहता है, और वही मैं कोशिश करता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि आपके मन में से फियर निकल जाए। क्योंकि यदि आपके मन में फियर रहेगा ना, बाई चांस मान लिया आपने सुहागरात बनाई और आपको प्रीमैच्योर इजेकुलेशन हो गया, तो वही आपके मन में डर बैठ जाएगी, अरे मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, फिर आप क्या करोगे, आप इधर उधर अपने पैसे बर्बाद करना स्टार्ट करोगे। तो सबसे पहले आपके मन में से डर और फियर बिल्कुल निकलना चाहिए। और सबसे दूसरी बात है, जो लड़की है वो ऐसा नहीं है कि आप एक रात के, मैं पहले भी बना चुका हूं, इसके बाद बता चुका हूं, और मैं देखो वीडियो के माध्यम से सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूंगा, वो आपकी अर्धांगिनी है, और सेक्स एक दिन का नहीं है कि आपको एक ही दिन करना है, पूरी जिंदगी मिलेगा। इसको आराम से तसल्ली से पहले बातें कीजिए, दोस्त बनाए, उसके बाद सेक्स कीजिए, और आपको कभी भी देखना आपका जो सेक्स जीवन है ना वो बिल्कुल भी खराब नहीं जाएगा। तो मुझे लग रहा है मेरी जो बताने का, जो बताना चाहता था मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बता चुका हूं, और लगता है कि मैं आपको डेली ऐसी वीडियो बताता रहूं, आपको नॉलेज देता रहूं जिससे आपका पैसा बर्बाद ना हो, तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर कीजिए अपने फेसबुक पर, अपने व्हाट्सएप दोस्तों पर, क्योंकि जो मैं नॉलेज आपको देना चाह रहा हूं वो नॉलेज मैं चाहता हूं बहुत जगह फैले, मैं कहता हूं पूरी वर्ल्ड में मेरी द्वारा नॉलेज फैलनी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।